अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है कॉलेज लेवल का, उसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और हम इस सर्कल में एक पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर ए। दिस ए इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। एक और पॉइंट लेंगे बी, दिस बी इज मेकिंग एन एंगल बीटा, दिस एंगल इज बीटा एंगल। कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल वो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, उसको स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। विद यूनिट रेडियस, इसको यूनिट सर्कल भी बोलते हैं, जिसका जो रेडियस है वो वन हो। ये रेडियस भी वन है, रेडियस वन है सारा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ए, वो अल्फा एंगल बना रहा है, सेकंड पॉइंट जो बी है ऑन द सर्कल वो बीटा एंगल बना रहा है। टेक पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल, सर्कल पे ए और बी पॉइंट दो ले लें। ओ ए मेक्स एंगल अल्फा, ओ बी मेक्स एंगल बीटा। एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन, सिंपली अल्फा भी ले सकते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो। अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। एंड नाउ टेक अनदर पॉइंट सी ऑन द सर्कल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल सच दैट मेजरमेंट एंगल, ये डी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वन एंड जीरो। मेजरमेंट एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब ये जो ए और बी के दरमियान एंगल है, ये अल्फा है ये बीटा है, इसके दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, ये मेजरमेंट। टोटल एंगल अल्फा, इसमें से बीटा माइनस करें, अल्फा माइनस बीटा। अब हमने सी ऐसी पोजीशन में लिया है कि ये जो एंगल है
ये भी अल्फा माइनस बीटा बनता है। अब अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखें, ये बनते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। बी जो पॉइंट है, क्योंकि बीटा एंगल बनाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं कॉस बीटा एंड साइन बीटा। इसी तरह जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ये आपका सर्कल है। अब आप ए को बी से डायरेक्ट ज्वाइन करें ताकि ये ए ओ बी एक ट्राइंगल बने, सी को डी से ज्वाइन करें। ट्राइंगल ए ओ बी इज कंग्रुएंट टू, क्योंकि ये एंगल अल्फा माइनस बीटा और ये इनका सेंट्रल एंगल अल्फा माइनस बीटा सेम है, रेडियाई वैसे सेम है, तो ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनता है। अगर कंग्रुएंट हूं साइड एंगल साइड के, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कंग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ डी। दिस इंप्लाइज दैट when two triangles are congruent, their corresponding sides, for example, AB is corresponding to CD. AB is equal to CD. Main cheez hamara ye target tha jo hame mil gaya fundamental law ke liye. Agar ye dono equal hain, to AB ka square jo hai, CD ke के इक्वल होगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई है, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। इससे आगे हमारा प्रोसेस शुरू होता है फंडामेंटल लॉ के प्रूफ का। नाउ वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। According to distance formula, AB distance is equal to x2 minus x1 whole square. मैं दोबारा लिख रहा हूं, AB square is equal to CD square. AB distance is cos beta minus cos alpha whole square plus sin beta minus sin alpha whole square is equal to CD distance is cos alpha minus beta minus 1 whole square, x2 minus x1 whole square या x1 minus x2 whole square, आप किसी भी order में लिख सकते हैं। Because ये भी मैं आपको clear कर दूं, a minus b whole square is equal to b minus a whole square, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस माइनस दिस होल स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस, चूंकि ये जीरो है, तो प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, जीरो नहीं लिखेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos alpha cos beta plus sin square beta plus sin square alpha minus 2 sin alpha sin beta. This is your left hand side equal to, अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा दिस इज टू ए बी प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज राइट हैंड साइड। आपको पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन। इसको यूज करें, अब आप दोनों साइड पे गौर करें, कॉस स्क्वेयर बीटा एंड साइन स्क्वेयर बीटा गिव्स अस वन। दिस दीज टू वैल्यूज यू कैन राइट वन इन प्लेस ऑफ दीज टू वैल्यूज एंड कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज ऑल्सो वन वन प्लस वन। ये चारों वैल्यूज अब आप नहीं लिखेंगे, माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इन दोनों में से माइनस टू कॉमन ले लें, माइनस टू और यहां लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, माइनस टू इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब हम आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे भी कॉस के अल्फा माइनस बीटा दिस इज द एंगल सेम लाइक दिस कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज आल्सो इक्वल टू वन वन प्लस ये भी वन लिखा है वन माइनस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप वन 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 कैंसिल कर सकते हैं, टू टू बन जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ये भी कैंसिल हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपकी ये जो साइड है कॉस अल्फा माइनस बीटा, मैं बार ब्रैकेट की जगह ये लिख रहा हूं, इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज योर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा, उन सब की बेस है। तो ये हमारा जो फर्स्ट लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका प्रूफ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में इस लॉ को लेकर इससे जो मजीद फार्मूलाज डिड्यूस हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस लॉ को बेस पे नेक्स्ट जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा, इन सब को इस एक लॉ से हम डिड्यूस कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिएगा।